सोलन के गुरुकुल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुकुल स्कूल के अध्यापक जहां एक और शिक्षा देकर अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रहे हैं, वहीं आज उनके साथ साथ उन्होंने रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन में छाए अंधेरे को भी दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। सोलन के गुरुकुल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुकुल स्कूल के अध्यापक जहां एक और शिक्षा देकर अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रहे हैं, वहीं आज उसके साथ साथ उन्होंने रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन में छाए अंधेरे को भी दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि आज गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं 17 स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने बताया कि वे हर वर्ष स्वर्गीय सविता गर्ग को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आए हैं। इस वर्ष भी करीबन 40 यूनिट रक्तदान किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और देश के सभी नागरिकों को रक्तदान करना चाहिए। गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इंटर स्कूल्स ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। ये 12वां इस तरह का दिवस है जिसमें हम श्रीमती सविता गर्ग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसका मूल उद्देश्य इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का, ब्लड डोनेशन का, समाज में जागरूकता पैदा करना है ताकि हम एक बहुत ही नोबल काम में योगदान दे सकें और समय पे अगर किसी को आवश्यकता हो खून की तो उसको दिया जा सके। और हमारे स्टाफ के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबकी, हर साल कई लोग तो रेगुलर डोनर्स हैं, हर साल डोनेट करते हैं और बताते हैं कि किसी तरह की उनको फिजिकल वीकनेस नहीं महसूस होती है और थोड़े ही टाइम में ये ब्लड है जो वो रिकूप हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा पेंटिंग एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन है उसमें भी ये होता है कि सब जने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, बच्चों की प्रतिभा को निखारे हम और बच्चे इसमें देखते देखते बहुत ही बडिंग आर्टिस्ट सामने आए हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट पे फोकस्ड हो, चाहे वो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी पे हो या फिर कोई फ्यूचर आर्मी रिलेटेड ड्राइंग्स हो। तो इस ये दोनों के माध्यम से हम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल से ये मैसेज देते हैं कि जन के समाज के लिए किया हुआ जो भी कार्य है बच्चों के द्वारा वो एक बहुत बड़ा संदेश उभर के आता है जो एक तरह से उनमें नैतिकता का भी जागृत करता है। तो हम इसी उद्देश्य के साथ इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव, परस्पर सहयोग जो आपस में इंस्टीट्यूशंस करते हैं वो सब उभर के आता है और ये बहुत अच्छा एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। सुनील गर्ग जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनकी धर्म पत्नी सविता गर्ग के निधन के बाद ये प्रोग्राम स्कूल मनाता है और इसे ब्लड डोनेशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड अदर एक्टिविटीज को हाईलाइट करते हैं। इस बारी स्कूलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 17 स्कूल सोलन के ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं और ये 2007 के बाद कंटिन्यू 2019 तक 12 सेशन ये हो गए हैं। हर साल 30 से 40 यूनिट ब्लड लिया जाता है और हॉस्पिटल में इसे दिया जाता है, उन्हीं की स्मृति में ये सारा प्रोग्राम होता है। 6 सितंबर 2007 में मेरी मदर का देहांत हुआ था जिनका नाम था श्रीमती सविता गर्ग। उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए हम लोग यहाँ पे आज गुरुकुल स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप और ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ऑल ओवर सोलन डिस्ट्रिक्ट से स्कूल आते हैं। इस बार हमारे पास यहाँ पे अराउंड 20 स्कूल्स आए हैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए और जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें हमारे पास अराउंड 40 डोनर्स आते हैं और उनमें 40 डोनर में एक डोनर मैं भी हूँ। मैं पिछले 12 सालों से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और आई गेस इट्स अ नोबल कोज, सबको करना चाहिए और रक्तदान महादान।
तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टूडे के साथ। नमस्कार।